IIT भी क्लियर विद गुड रैंक इन 10 months. 10 months में भी किया जा सकता है मितेश, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. अभी तो वैसे भी आप यदि 12th में भी हैं तो यू हैव मोर देन 10 months आई थिंक. एटलीस्ट एडवांस के लिए तो आपको करीब करीब हाँ थोड़ा करीब 10 महीने से ज़्यादा मिल जाएगा. तो यदि आपने 11th की प्रेपरेशन एक बेसिक बोर्ड लेवल पे भी कर ली है तो आप एक साल में अपनी 12th को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और 11th को भी आप बोर्ड से उठा के जेई लेवल पे ले आइए तो आप अच्छी रैंक से जेई जरूर क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, मेरी खुद की जो स्टोरी है वो ये है कि मैंने नवंबर में प्रेपरेशन फॉर्मली चालू की थी कोटा जा करके. तो 11th के नवंबर से लेके आप मान लीजिए कि जो भी मई में अपना एडवांस का पेपर था तो तब तक का टाइम मैंने यूज़ किया था. तो आई थिंक आप थोड़ा लेट भी हो तो आपको डरना नहीं चाहिए. जस्ट ट्राई टू बी वेरी डेडिकेटेड, ट्राई टू बी हार्ड वर्किंग एंड कोशिश कीजिए कि आप जितना मैक्सिमम दिन का आउटपुट निकाल पाए उतना निकालें, तो उससे आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है. हाँ मितेश, टॉप 100 में भी